जनरल सैक्रेटरी आर एस मुना अज थे आफिस गेदे है, उन्हें आख्या मैडम जी तुसे कटरे बैक टू विलेज प्रोग्राम रखे दा ओदे ग्रां दे लोकें आनी अपनी कोई गल करनी है, क्या अस कोई सीनियर सिटीजन फोरम की तरफा कोई गल कर सकने हैं? तुसे आख्या जरूर आओ जरूर करो। लेकिन ग्राउंड पे अभी तीन लास्ट जो आया था बैक टू प्लेस का वो अभी ग्राउंड पे लगा नहीं है मैम, हमें कुछ उसका पता नहीं। अब 10 लाख जो आया है लोगों को तो यही पता है कि सरपंच के पास पैसे आ गए, लेकिन वो तभी होगा जब हमें मिलेंगे, जब काम होगा लोग तभी मानेंगे, नहीं तो लोग तो मैम गालियां ही देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। तो मैम मैं आपका शुक्रिया करती हूँ अगर हमारी पंचायत पुराना ग्राउंड के लिए आप थोड़ा देखें और करें, और मैम इसके साथ मैं आपका शुक्रिया करती हूँ मैम कि आप इतने कोरोना वायरस में आपने इतनी मेहनत की है, लोगों को समझाया है मैम, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स, जय माता दी। कि मैं सब लोगों को, जो भी लोग यात्रा पे आना चाहते हैं, मेरे को बताया गया था कि ये मैंने मीडिया पे बोला था लोगों को कि भाई आप थोड़ा थोड़ा संभल के आइए, क्योंकि मुझे फिक्र थी कि भाई लोगों को यहाँ पर हम कटरा वासियों को कोरोना से बच जाए तो अच्छा है। आज मैं सबके सामने ये बात रखना चाहती हूँ कि शिवखोड़ी खुल चुकी है, वैष्णो देवी बहुत देर से खुल चुकी है, मगर मैं रोज इनसे लेती हूँ यात्रा रिपोर्ट, हमारी यात्रा 415 के ऊपर नहीं जा रही, ठीक। अब उसकी वजह से छोटा छोटा जो आदमी है, जो छोटी छोटी चीजें करता था रोजमर्रा की जिंदगी उस हिसाब से चलाता था, उनको बहुत नुकसान हुआ। तो मैं सब लोगों को खुले प्लेटफॉर्म पे ये दावत देती हूँ कि जितने लोग आ सके आइए, यात्रा करिए, कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के साथ आइए, आपको कोई नहीं रोकेगा, यात्रा स्मूथली होगी, और आपका नॉन लोकल का जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं, अगर कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर आएंगे उनका हम खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे। हमारे लोगों को सेवा का मौका दीजिए, माता का दर्शन करिए और इस यात्रा को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। पहली बात शिवखोड़ी के लिए, क्योंकि मेरी चेयर जो है वो वाइस चेयरमैन चेयर है, शिवखोड़ी के लिए भी सिमिलर है, हमने तो वहां सैंपल कलेक्शन बना दिया है, अब हम वहां पर भी लोगों को ओपनली बोल रहे हैं कि शिवखोड़ी श्राइन और वैष्णो देवी श्राइन आपका स्वागत करती है, खुले हाथों से स्वागत करती है, जितने ज्यादा लोग आ सके आ जाए, वी विल वेलकम एवरीवन, और वहां पर सेफ है, आना बहुत सेफ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जिन जिन लोगों को शुरू में कोरोना हुआ था उन लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है, वो क्योर हो चुके हैं, वो घरों को जा चुके हैं, ऐसी कोई परेशानी आज की तारीख में नहीं है। पीएचई डिपार्टमेंट को दिया क्योंकि हम लोगों को पाइपें चाहिए थी, उसमें हमारे सीईओ सिमरनदीप सिंह वहां डिस्ट्रिक्ट अफसर थे और उन्होंने काफी सारे हमारे काम लिख के ले गए, लेकिन लोगों ने वो डिमांड रखी, कोई काम नहीं हुआ। यहां मैंने देखा पीडब्ल्यूडी वाले आज यहां है, पूछो इनको खड़ा करो, इनको ध्रुव नहीं पता होगा, एक बार इन्होंने कहीं पंच को सरपंच को पूछा, या तो इन्होंने अगली बार इलेक्शन लड़नी है वहां, या तो मुझे लगता हो सकता है इन्होंने वहां कुछ ऐसा कोई काम करना हो, ये क्यों नहीं पूछते, या तो हम इनसे कोई कमीशन मांगते हैं, या इनसे कोई रिश्वत मांगते हैं, तब ये यहाँ आपको बताएं, लेकिन ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं और हम बैक टू विलेज का हर बार स्वागतम करते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे ही हमें मौका मिलता है हम इनके लिए पूरे अरेंजमेंट करते हैं, खाने के अरेंजमेंट करते हैं, ढोल बाजे लेके इनको रिसीव करने आते हैं, शर्म आती है ऐसे अफसरों पे, तो क्या करेंगे, जाते नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे यहां आंगनबाड़ी का मसला चला, मैं यहां मैडम बैठी है इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ये 4 बार बैक टू विलेज में, जब उसके बाद 4 बार ये वहां गई है, सोशल वेलफेयर वाले जो पेंशन लगवा रहे हैं ये हमारे गांव में जा रहे हैं, ये इतने बड़े अफसर 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, बताएं ये कब गए, मैं यहां बैठा हूं सामने, खड़ा कीजिए इनमें से किसी अफसर को, ये सिर्फ लोगों को अगर दिखाना है। ऊपर से मैम जब हम आपके दफ्तर में जाएंगे, मैं आपको बताऊं, चाहे मैडम के दफ्तर में जाएंगे, इन्होंने आपके दफ्तर में भी और इनके दफ्तर में पहले ही 2-2 किलोमीटर टूर लगा रखे हैं कि हमारे आज अगर लोगों के कार्ड बन रहे हैं, लेबर कार्ड बन रहे हैं, सारे लोगों को बोल दिया कि जाओ सरपंचों के घर, हमारे घर में 500 आदमी आ रहा है, हमें कोरोना नहीं है, यहां लोगों को सारे दफ्तरों में कोरोना आ गया, हमें क्या फैसिलिटी मिली है आप बताएं जरा। तो मैं ये चाहता हूं कि हमें पंचों सरपंचों को, अगर हम नहीं जाते, हम भी, मैं पहली बार पंच बना हूं,
मुझे कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन हम लोगों को काम चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ अभी यहाँ रियासी के लिए बैठे हुए हैं, एडी साहब बैठे हैं यहाँ, ये द्रूड़ में गए, ये बैक टू विलेज में नहीं थे। हमारा राशन का जो मसला था टीएसओ कट रहा, और इन्होंने जाके उसको पूरा हल किया। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी भाभी के लोगों 10 बार इनके बाकी दफ्तरों में गया हूं, हम इनको बोलते हैं वहां आओ, नहीं जी अभी कोरोना है, इनको जड़ा कोरोना खा रहा है, हमको नहीं खा रहा कोरोना। जब आपने हमें बोला कि आप घर घर जाके लोगों को समझाओ, हम लोगों को घर घर जाके समझा रहे हैं, और हमें कोई मिलता गया है 1000 रुपया पे और लोगों से जूते। बैक टू विलेज में लोगों ने काम रखवा दिए, इतने भाई ये हुआ वो हुआ वो हुआ, लोग हमारे घरों में पहुंच गए कि मारे बोल के गए हैं जी आपके अकाउंट में पैसे आ गए। कौन से अकाउंट में पैसे आते हैं, ऐसे बकवास, कोई पैसे नहीं आते किसी के अकाउंट में। आज हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी मैम आपका। मैं आपको बताऊं, मैं इसमें बोलने में या किसी में कोई शर्म करता हूं, मैं पंच हूं लेकिन मैं समाज सेवक हूं, उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। आज अगर मेरे साथ दिल्ली के कुछ लोग नहीं मिलते और कटरा में जो 600 परिवारों को हम राशन नहीं देते, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कटरा टीएसओ दफ्तर यहाँ कटरा एसडीएम साहब कटरा में बैठ सकते। मैं आपको बताऊं, हर महीने 600 परिवारों को हम राशन प्रोवाइड करते हैं, कोई किसी से कोई चंदा ग्राही नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों का भी फर्ज बनना चाहिए, आप लोगों को आइए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई किसी तरीके की कोई परेशानी है, हम नए नए पंच बने, आप जो हमारे से हारे हुए हैं या दूसरे जो हमारे मुकाबले में खड़े हैं, आप उनसे सवाल लेके करना शुरू कर देते हैं। जब भाई वो जीतेंगे आप उनकी मदद करना, लेकिन इस टाइम हमें लोगों ने वोट दिए हैं, हम लोगों ने फैसले करने हैं कि लोगों को क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। तो इसलिए मैं सारे यहां जो डिपार्टमेंट आए हैं, आपको मैं ये बिल्कुल वार्निंग देता हूं कि जो डीसी मैम आपको आज, जैसे आप डीसी मैम आए, जहां आप आए तो मैं आपके हाथ जोड़ के लास्ट बार विनती करता हूं, तो आप आए। और मैं आपको बताऊं, यहां बीडीओ साहब रियासी, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, अगर ये हमें नहीं कहते, जैसे पैंथर में लोग चले गए ऐसे हम भी चले जाते। इन्होंने कहा कि आप एक बार डीसी मैम, हम शुक्रिया अदा करते हैं डीसी मैम का, जो 10 लाख रुपए हमारे अकाउंट में, तो इन्होंने बोल दिया कि 10 करोड़ पे 10 लाख रुपए आ गया, और उसके लिए हमारे बीडीओ ने जो हमारे जो प्लान है वो 4 प्लान हमने डाल दिए हैं, जो छोटे छोटे रोड है वो बनना शुरू कर देंगे, 2 तारीख से पहले आपको हम 50% वो काम आपको करके दे देंगे। तो मैं ये सारे डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, चाहे वो बिजली वाले हैं, बिजली वाले हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्होंने ट्रांसफार्मर में दे दिया, लेकिन हमारे वो कम दिया है, यहां जो भी बैठे होंगे कम दिया है, 3 लगने थे 1 दिया है, हम चाहते हैं वो भी 2 मिले, क्योंकि लड़ाई लग जाती है, इतना बड़ा गांव है, 1 में लगाएंगे 2 वाले नाराज हो जाएंगे, हम चाहते हैं वो भी आए। और जो भी डिपार्टमेंट वाले यहां बैठे हैं, हमें किसी से पर्सनली किसी से कोई नहीं है, अगर किसी को कोई पर्सनली है तो आप मेरे लिए जाके डीसी मैम को बताओ, ये हमें कोई किसी तरीके से कोई वहां हरासमेंट कर रहे हैं, हम लोगों का काम चाहते हैं, हम काम के लिए पंच सरपंच बने हैं, कोई ये नहीं है कि हम यहाँ ऐसे ही फालतू में 1000 रुपए हमें पे मिलती है, 1000 रुपए से ज्यादा तो हमारा डीसी दफ्तर में जाके हमारा तेल ही गाड़ी का लग जाता है। तो इसलिए मैं सारे जितने भी यहां अफसर आए हैं एक बार आपसे हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूं, काम की साइड ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि बैग टू विलेज आता है तो आप अपनी कॉपियां लेके आते। मैं आपको बताऊं, हमने मैम 4 नंबर वार्ड है मेरी पुराना दूर में, वहां हमने पिछले बार एक स्कूल रखा, आप यकीन करो वो 3 दिन से मुझे सोने नहीं दे रहे हैं, मारे वहां की पॉपुलेशन दो, वहां का वो जमीन के डॉक्यूमेंट दो, आपको हम विद इन डेज में हम वहां क्लासें बढ़ा देंगे। शुक्रिया करता हूं मैं उनको भी, जा तो आ रहा, लेकिन अगर थोड़े दिन पहले वो स्कूल खोल दिया होता तो लोग भी पंचों सरपंचों का शुक्रिया अदा करते, गाली मत देते। तो इसलिए हम कोई गाली खाने के लिए नहीं बने हैं, गाली वो खाएंगे जो 2-2, 4-4 लाख रुपए लगा लेते हैं, 1000-1000 रुपए लेते हैं वो भी हम लगा देते हैं, ठीक है ना। हमसे कोई गलती होगी तो माफ करना, लेकिन काम करना, हम काम के अलावा आपको छोड़ेंगे नहीं, अभी पर्सनल आपके साथ हमारी कोई लेना देना नहीं है। और मैडम आरडीडी के मैम इशू है मेरे अपने एमजी दिलका में, हमने काम किया हुआ है, और मैडम वो पेमेंट अभी पेंडिंग है, मैडम जल्दी से जल्दी वो की जाए तो ताकि हम आगे भी काम करने कर सकें। और मैडम बाकी बैक टू विलेज का प्लान हमने दे दिया था आपको, तो अप्रूव होकर आ गया, उसके लिए मैम थैंक। और मैम मेरे PMGSY के रोड के मसले हैं मैम, तो मैम उसके लिए तो ना तो लोगों को मुआवजा मिला हुआ है, अभी तक 2017 में काम स्टार्ट हुआ था मैडम, ना तो अभी तक लोगों को किसी को पता कि मेरी कौन सी जगह गई है, कितनी गई है। तो मैम मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि SDM साहब को बोल के जल्दी से जल्दी देरी करिए मैम, PMGSY की ये मैम दोनों रोड का इशू है मेरा, एक तो कालका नगर टू डटोरी है और एक मैम दंदोली टू बबाई नाला रखा है। तो मैम मेरा PWD के रोड है मैम मुरताल टू डटोरी, तो मैम इसकी भी बड़ी जरूरत है, काफी सारे पॉपुलेशन है जहाँ पे, ये भी जल्दी से दूर किया जाए। तो मैडम दो ट्रांसफार्मर की जरूरत है। तो मैडम PHC से मैम एक जल शक्ति अभियान में हमने वाटर टैंक दिए थे,
तो मैम बहुत जल्दी से जल्द अप्रूव होके आए ताकि मेरी पंचायत, आपको पता होगा मैम, चार वार्ड मेरी अपने डोरी की जोड़ी में पड़ती है और देवामाई क्रॉस करके 30 वार्ड सरना की तरफ पड़ती है। तो मैडम उसकी वजह से पानी की काफी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम पानी भी पहुंचा सके पूरा पानी, क्योंकि पानी हम पूरा नहीं है। अगर वाटर टैंक बनेगा तो पानी तो है मैम, लेकिन सुविधा नहीं है पानी कम करने की। तो मैम जल्द से जल्द वाटर टैंक की सुविधा दी जाए। और मैम जिनका था पुराने बिल भी हैं कुछ मटीरियल के, वो भी जल्द से जल्द दे दिए जाए। और मैडम PMAY का तो मैम दिए हुए हमने, मेरे 50 केस ऑनलाइन हुए हैं, मैम अभी तक बाकी तो वो पेंडिंग ही चल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन ही हुए हैं। तो मैम 14FC के काम हमारे 4 कम्प्लीट हैं, तो मैम वो की अभी फाइल हमने रेडी करके रखी है, तो पेमेंट अभी तक इतनी नहीं हुई है, वो भी जल्द से जल्द हुई है। ठीक है, आज रियासी डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट हमने तो 7 तारीख से लॉन्च किया है, जिसमें कि 2-3 जगह मैं खुद गई हूँ, मगर आज हमारा ब्लॉक दिवस जो है वो लॉन्च हुआ है। और जन अभियान में ब्लॉक दिवस में हमने लोगों की सवालों के जवाब देने हैं, हमसे ये उम्मीद की जा रही है, और लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सेंसिटाइज करना है, ये 2 चीज़ें हमसे उम्मीद की जा रही है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये 15 दिन मेरे अफसरों को सोने का मौका ना मिले। दे आर नॉट अलाउड टू स्लीप इन दीज 15 डेज एंड इन फर्दर डेज, जब तक कि लोगों के सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। मेरे को कोई जानकारी नहीं है, कोई बॉयकॉट नहीं हुआ है। मैम बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड किया, क्या ऐसी जो कमी जो पहले रह गई है वो बैक टू विलेज थर्ड में पूरी की जाएगी? बिल विलेज 2 और 1 है, उसकी पेमेंट को लेके आज भी पंचायतों ने हमें बोला, सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है, उन्होंने इसीलिए 10 लाख रुपया पहले ही रिलीज़ किया है। ये 10 लाख रुपया आपकी पुरानी पेमेंट करने के लिए भी अलाउड है, नई काम करने के लिए भी अलाउड है, पंचायत का फैसला है। अगर पंचायत चाहे नए काम उठा ले और बहुत अच्छे से जो काम उनको ठीक लगता है, इस एस्टिमेशन में फिट आते हैं, वो काम ये शुरू करवा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का मतलब ये है कि काम शुरू करवाए जा सकते हैं।